सो है गाइस, जो आप फिर वीडियो देख रहे हैं इस टाइप की जो वीडियो है इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं लेके आया हूँ रक्षाबंधन की ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से देखना होगा, तभी जाके आप इस टाइप की वीडियोस को इजीली क्रिएट कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके सिलेक्ट कर लें, जैसे कि मेरी ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल का जो नोटिफिकेशन आएगा या फिर वीडियोस आएगा वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। एंड उसके अंदर वीडियो आपको अगर जरा सा भी अच्छा लगे तो उसे आपको यहाँ पर सिंपल से लाइक कर देना है, एंड कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी आपको यहाँ पर कुछ भी अच्छा लगे तो उसे कमेंट करना, और ऐसा कमेंट करना तो मुझे मोटिवेशन फील हो, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रेंडिंग टोटल आपको और दे पाऊँ। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने स्टेप की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास है लाइक मोशन एप्लीकेशन, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे, तो मैं इसी से वीडियो को क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, लाइट मोशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पे इंटरफेस कुछ इस टाइप से आएगा, तो प्लस पे आपको क्लिक करना है, रेशियो, रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट, बैकग्राउंड आपको इसी टाइप रखना है, एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। इतना होने के बाद यहाँ पे आपको प्लस पे टैप करना है, देन इसके बाद में यहाँ पे आपको मीडिया पे क्लिक करना है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको जिस साउंड पर आपको वीडियो क्रिएट करना है उस साउंड को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जो भी स्टेप जो भी होंगे टोटल जो भी है वो सेम ही रहेगा, और यहाँ पे आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो, जिस भी साउंड पर या जिसके रिलेटेड, जैसे कि मैं यहाँ पे रक्षाबंधन की बना रहा हूँ तो 15 अगस्त के भी बना सकता हूँ इसी टोटल पे। केवल क्या करना है, फोटो को चेंज करना है एंड साउंड को चेंज कर देना है, बस इतना सा ही काम है, तो दूसरा जो इमेज या दूसरा वीडियोस क्रिएट हो जाएगा केवल फोटो और साउंड को चेंज करने के बाद, प्रोसेस यही रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये जो मैं यहाँ पे वीडियो को ऐड करने वाला हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे मेरे पास वो वीडियो भी है जिससे मैं यहाँ पे देने वाला था, तो मैं यहाँ पे इस साउंड को ले रहा हूँ क्योंकि ये जो है रक्षाबंधन पे है, तो मैं इसे यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। ऐड करने के बाद सिंपल से आप यहाँ पे पहले तो बीट मार्क को ऐड कर लेना, जहाँ जहाँ पे हमारी जो लिरिक्स है वो जहाँ पे गिरती है, तो मैं कुछ इस टाइप से यहाँ पे एक बीट ऐड कर दिया हूँ। ऐड करने के बाद सिंपल से आगे जाना है, यहाँ पे आपको इस जगह पे फिर से बीट को ऐड करना है, इसी तरीके से आपको सारी की सारी बीट को आपको ऐड कर देना है। इस पर जो बीट है बीट को अच्छे से क्रिएट कर दिया, ऐड कर दिया, देन उसके बाद में सिंपल से आपको यहाँ पर करना क्या है, इस वीडियो पे टैप करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, देन उसके बाद में नीचे आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन शो होता है, क्लिक करना है एंड हमारा जो साउंड है बाहर आ जाता है। वीडियो पे टैप करना है, वीडियो को आपको सिंपल से डिलीट कर देना है, इतना यहाँ पे काम हो चुका। उसके बाद में तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो इमेज है, इमेज को पहले तो आपको ऐड करना है, जो कि होगी रक्षाबंधन की, तो मैं यहाँ पे उसे कुछ इस टाइप से प्लस पे क्लिक करना है एंड मीडिया पे, देन उसके बाद में जहाँ पे भी आपकी जो इमेज हो वहाँ से आप इजीली उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप की इमेज को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये हमारे पास ये इमेज रही, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको क्लिक करना है थ्री डॉट पे फिल कंपोजिशन, यहाँ पे फिल तो आई है प्रॉपर तरीके से, पूरे सेट है अच्छे से। उसके बाद में यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ इस टाइप से आपको फुल वीडियो में अप्लाई कर देना है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको इसका जो इस पर एक रेक्टेंगल को ऐड करने वाला हूँ, जो कि मैं यहाँ पे कुछ इस पर इफेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको इस प्लस पे क्लिक करना है, रेक्टेंगल पे टैप करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है थ्री डॉट पे फिल कंपोजिशन एरिया पे, एंड उसके बाद में इसे आपको यहाँ पे फुल वीडियो में अप्लाई कर देना है। कलर पे टैप करना है, ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर देना है, एंड उसके बाद में जैसे आपको बैक करना है, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी पे टैप करना है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको डिफरेंट पे क्लिक करना है, सब ट्रैक कर देना है, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको बैक कर देना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है इफेक्ट पे, ऐड इफेक्ट पे टैप करना है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको COPY आप इतना लिखेंगे तो फर्स्ट में आपको कॉपी बैकग्राउंड को मिल जाएगा, क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करना है, देन उसके बाद में इधर से आपको बैक करना है, ऐड इफेक्ट पे टैप करना है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको GA UI ऐड करना है, गॉसियन इसे भी आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से अप्लाई कर देना है, एंड उसके इस टाइप से बाद में एडजस्टमेंट कर लेना है, एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है, बैक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर सर्च करना है EX, आप इतना लिखेंगे तो फर्स्ट में आपको एक्सपोजन गामा मिल जाएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करना है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इसे मैं यहाँ पे 500 के राउंड बोर्ड इसे रख दिया, एंड उसके बाद में इसे आपको बैक करना है,
एक्सपोजन गामा पर क्लिक करना है। देन उसके बाद में कुछ इस टाइप से आपको इसे इतना कर देना है। एंड उसके बाद में इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से एडजस्टमेंट कर देना है, इतने पे आपको कर देना है। एंड उसके बाद में इसे आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद दोनों को यहाँ पे आपको ग्रुप भी बना सकते हैं, तो इस टाइप से आपको ऐड करना है एंड ग्रुप बना देना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे जो फर्स्ट का काम यहाँ पे तैयार हो चुका है। एंड उसके बाद में तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में आना है एंड यहाँ पे आपको प्लस पे टैप करना है, रेक्टेंगल पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको राउंडेड रेक्टेंगल को ही ऐड करना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको एडिट स्टेप पे टैप करना है, कुछ इस टाइप से आपको इसे इंक्रीज कर देना है, इतना आपको इंक्रीज करना है। एंड 100 पे आना है वाई वाले पे। एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से आपको इसे इस प्रकार से इंक्रीज कर देना है। इतना यहाँ पे हो जाने के बाद रेडियस पे यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इंक्रीज कर देना है, इतना आपको यहाँ पे कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको आ जाना है कुछ इस टाइप से, इसे और थोड़ा सा इस प्रकार से इंक्रीज कर देना है। देन उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद सिंपल से यहाँ पे आपको इस बीट तक आपको कर देना है, इस बीट तक आपको यहाँ पे अच्छे से ऐड करना है। ऐड करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो गया। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको इस रेक्टेंगल पे टैप करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको इसे डुप्लीकेट इस टाइप से कर देना है। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद सिंपल से आपको इस पर आना है। एंड उसके बाद में कलर पे टैप आपको इस थर्ड वाले ऑप्शन पे आना है। एंड ये वाले जो है इसी पर आपको रखना है, इस वाले पे। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको इस साइड में ये ब्लैक कलर एंड इधर आपको यहाँ पे व्हाइट को कर देना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको अच्छे से सेट कर देना है, इस जगह पे आपको अच्छे से सेट कर देना है। सेट करने के बाद व्हाइट कलर पे आना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको बॉक्स पे टैप करना है, कुछ इस टाइप से आपको इसे ट्रांसपेरेंट कर देना है। देन उसके बाद में आपको बैक कर देना है। बैक करेंगे तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो जाएगा। एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद सिंपल से अब यहाँ पे आपको इमेज को ऐड करना है, तो प्लस पे टैप करना है, मीडिया पे टैप करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप की आपको इमेज को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद सिंपल से आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे टैप करना है। एंड उसके बाद में जूम आउट को यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इतने पे सेट कर देना है, यहाँ पे आपको बैक करना है। एंड कुछ इस टाइप से यहाँ तक आपको बीट पे आना है, इस टाइप से आपको इसे ऐड करना है। एंड उसके बाद में इसे आपको यहाँ पे कुछ इस जगह पे फोटो यहाँ पे आपको नीचे इस जगह पे ऐड करना है। एंड दोनों को ऐड करना है इस टाइप से। एंड उसके बाद में इसे ग्रुप एंड मार्क्स पे टैप कर देना है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो चुका है। एंड उसके बाद में एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो चुका है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको फर्स्ट में कुछ इस टाइप से प्लस पे टैप करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपल से अब यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखना है उसे आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से तो इतना लिख दिया। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको अलाइन पे टैप करना है, रबर वाले पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लग रहा हो उस फॉन्ट को आपको सिंपल से अप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पे इस फॉन्ट को यूज कर दिया। एंड उसके बाद में कलर पे टैप करना है, व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर देना है। एंड उसके बाद में 18 PPT पे टैप करना है। देन उसके बाद में कुछ इस टाइप से साइज को इंक्रीज कर देना है एंड डन पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद इधर से आपको बैक कर देना है, इसे आपको यहाँ पे उठा के इस जगह पे यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको दो डॉट दे देने हैं इस टाइप से। एंड उसके बाद में आगे अगर आप हर्ट को लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप हर्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है एंड इस वाले ऑप्शन पे आना है, कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे ये लव वाले पे आएंगे तो यहाँ पे आपको हर्ट वर्ट मिल जाएंगे इजिली, तो यहाँ से आप इजिली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में इधर से बैक करते हैं। बैक करने के बाद कुछ इसी जगह पर मैं यहाँ पे सेट कर दिया हूँ। सेट करने के बाद सिंपल से आपको इसे बीट तक कर देना है, तो यहाँ तक आपको ऐड कर देना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको इसे प्लस पे टैप करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको इमोजी वाले पे लॉन्ग प्रेस करना है एंड इस पर आना है। आपको यहाँ पे ये वाला जो हर्ट है इसे आपको यहाँ पर सिंपल से इस टाइप से ऐड करना है। ऐड करने के बाद सिंपल से यहाँ पे आपको अलाइन पे टैप कर देना है, 18 PPT पे टैप करना है। देन उसके बाद इसे आपको यहाँ पे छोटा कर देना है साइज को। एंड उसके बाद में कलर पे टैप करना है, बॉक्स पे आना है, इसे आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देना है एंड डन पे टैप कर देना है। जब इतना करेंगे उसके बाद में सिंपल से आपको यहाँ पे इसे कुछ इस टाइप से मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है, कुछ इस जगह पे आपको इसे सेट कर देना है यहाँ पे। एंड उसके बाद में इसे आपको यहाँ पे खींचकर इस जगह तक आपको बीट तक कर देना है। बीट तक करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पर इस जगह पे आपको आ जाना है, इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से कट कर देना है। कट करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पर इसी को क्लिक करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको इफेक्ट जो है उससे अप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से इस जगह पे आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है, कुछ इस टाइप से आपको प्लस एक की लगा देना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस जगह पे थोड़ा सा आपको आगे जाना है, इस जगह पे आना है एंड उसके बाद फिर से एक की अप्लाई कर देना है। देन उसके बाद में फर्स्ट वाली की पर आपको इस जगह पे आ जाना है
एंड उसके बाद में इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से नीचे यहाँ पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद सिंपल से मैं यहाँ पे अच्छे से इसे एडजस्टमेंट कर दूंगा, जो कि ये लेयर के अंदर से ही आएगी। उसके बाद में सिंपल से आपको यहाँ पर करना क्या है, इस बीच में आपको थोड़ा सा कर्व को अप्लाई कर देना है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे जो कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद सिंपल से आपको इस लेयर पर टैप करना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट लेयर पे टैप करना है। टैप करने के बाद सिंपल से आपको इसे इस जगह पे आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद सिंपल से कुछ इस टाइप से आपको इसे जूम दे देना है, इतना आपको यहाँ पर जूम कर देना है। एंड उसके बाद में जैसे आपको बैक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको इस घड़ी वाले पे आ जाना है, यहाँ पे इसे कुछ इस टाइप से कट कर देना है। कट करने के बाद सिंपल से आपको फिर से इसी पर टैप करना है, लेयर पे क्लिक करना है एंड डुप्लीकेट लेयर पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद इसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, घड़ी वाले पे आना है, इस टाइप से आपको इसे कट कर देना है। एंड कुछ इस टाइप से आपको टैप करना है, इसे आपको यहाँ पे कुछ इस जगह पे सेट कर देना है। सेट करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे जूम पे आना है, कुछ इस टाइप से आपको इसे जूम को इतना इंक्रीज कर देना है एंड डन पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पर इस जगह पे आ जाना है। एंड यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको लिख देना है आगे की जो भी लेयर हो। तो कुछ इस टाइप में यहाँ पे लिख दिया हूँ एंड रोबोटिक लेयर पे टैप करना है। टैप करने के बाद कुछ इस टाइप के फॉन्ट को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे जो कलर यूज करने वाला हूँ, तो कुछ इस टाइप के कलर को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो इसे मैं यहाँ पे कुछ इस जगह पे सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद अलाइन पे टैप कर लेना है, क्योंकि अलाइन पे टैप करेंगे तो कुछ इस जगह पे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको डन पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद सिंपल से कुछ इस जगह पे आपको आ जाना है, तो यहाँ पे आपको आना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है। कुछ इस टाइप से आपको फर्स्ट में एक की एंड उसके बाद में यहाँ पे एक की एंड उसके बाद में फर्स्ट में आपको इस जगह पे आना है। इसे आपको यहाँ पे नीचे रेड लाइन के अकॉर्डिंग कर देना है, इतना आपको यहाँ पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद कुछ इस टाइप से आएगी, तो यहाँ पे आपको सिंपल से कर्व को अप्लाई कर देना है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे कर्व को ऐड कर देना है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो चुका है। एंड उसके बाद में सिंपल से आपको यहाँ पे करना क्या है, बैक करना है इस लेयर को, यहाँ पे आपको डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन उसके बाद में इसे आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से रिमूव करना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से लिख दिया हूँ। एंड उसके बाद में डन पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद थोड़ा सा आपको आगे चले आना है, इस जगह पे आना है। एंड उसके बाद में इसे आपको यहाँ पे उठा के इस जगह पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद घड़ी वाले पे आना है, कुछ इस टाइप से आपको इसे कट कर देना है, इतना आपको कट कर देना है। एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से यहाँ पे आएगी। उसके बाद में इधर से आपको बैक करना है, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है, रोबोट लेयर पे टैप करना है, देन उसके बाद में यहाँ पे आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लग रहा है उस फॉन्ट को आपको सिंपल से अप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पे कुछ ये वाला फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया हूँ, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कलर है, कलर को चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको कोई दूसरा कलर आपको यहाँ पर सिंपल से यूज कर देना है, तो मैं यहाँ पे येलो कर दिया हूँ। एंड अपने अकॉर्डिंग कोई कलर आप यहाँ पे रख सकते हैं। एंड उसके बाद जैसे आपको बैक कर देना है, बैक करने के बाद हमारी जो लेयर है प्रॉपर तरीके से ऐड हो चुकी है, तो उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से टैप करना है। एंड उसके बाद में कुछ यहाँ से आपको कट कर देना है इस टाइप से। तो यहाँ पे आपको करना क्या है सिंपल से, तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से रेक्टेंगल को कॉपी करना है, जो कि मैं यहाँ पे इस वाले रेक्टेंगल को यहाँ पे कॉपी किया है। एंड यहाँ पे जो कलर है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से ट्रांसपेरेंट होता है, उसे मैं यहाँ पे इक्वल साइज पे कर दिया इस वाले कलर पे। एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको एक इफेक्ट अप्लाई करना है, जो कि होगा बैकग्राउंड का, कॉपी बैकग्राउंड का। एंड उसके बाद में यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो जाएगा, तो यहाँ पे अभी ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे रेक्टेंगल। तो उसके बाद में सिंपल से आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे टेक्स्ट वाली जो लेयर है, इन्हें आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद रेक्टेंगल को भी यहाँ पे ऐड करना है एंड ग्रुप एंड मार्क्स पे टैप कर देना है। जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पे जो भी लेयर आएंगी ऊपर की ओर मूव करते हो, तो वो यहाँ पे दिखेंगे नहीं, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आएंगे। उसके बाद में सिंपल से आपको यहाँ पे करना क्या है, ये जो यहाँ पे तीनों लेयर हैं, तीनों लेयर को एक ग्रुप कन्वर्ट कर देना है। इस टाइप से आपको क्लिक करना है एंड ग्रुप बना देना है। ग्रुप बनाने के बाद सिंपल से आपको इस पर टैप करना है, बॉर्डर एंड शैडो पे आना है। कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर शैडो को यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इंक्रीज कर देना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे
उसके बाद में यहाँ पे आपको कलर जो भी चाहे वो कलर आप यहाँ पे सिंपल से ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेड कलर को रख दिया एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से यहाँ पे कर देता हूँ। हर एक लेयर में यहाँ पे जो कलर होगा चेंज कर दूंगा एंड उसके बाद में ये जो है कुछ इस टाइप से हो गया। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको टैप करना है, इस जगह पे आना है फर्स्ट में एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। देन उसके बाद फर्स्ट में एक की अप्लाई करना है एंड यहाँ पे आपको बीचों बीच में इस जगह पे आ जाना है, यहाँ पे एक की एंड लास्ट में आपको इस जगह पे आना है, फिर से एक की अप्लाई करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको फर्स्ट में आना है, कुछ इस टाइप से आपको रेड लाइन के अकॉर्डिंग नीचे आपको यहाँ पर कर देना है, इतने पे सेट कर देना है। सेट करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे बीच में आना है, इस टाइप से आपको कर्व को यूज कर देना है, इतना आपको यहाँ पर यूज कर लेना है, कुछ इस टाइप से यहाँ पे आएगा एंड उसके बाद में इस जगह पे आना है एंड उसके बाद में इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऊपर के साइड में आपको यहाँ पर रेड लाइन के अकॉर्डिंग ले जाना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको बीच में एक कर्व आपको सिंपल से ऐड कर देना है। तो कुछ इस टाइप से आपको इसे ऐड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ये कुछ इस टाइप से जाएगा। तो इसी टाइप से आपको हर एक लेयर में करना है। तो सिंपल से मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से हमारा जो यहाँ पे लेयर कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद में सिंपल से आपको इस लेयर पे टैप करना है एंड यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉपी लेयर, तो कॉपी लेयर कर लेना है एंड उसके बाद में इस जगह पे आपको आ जाना है एंड उसके बाद में लेयर पे टैप करना है, पेस्ट लेयर पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद सिंपल से कुछ इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पे आपको करने का इस पर टैप करना है बीट पर एंड उसके बाद में इस घड़ी वाले पे आना है। उसके बाद में इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से कट करेंगे तो यहाँ पे जो भी इफेक्ट होगा प्रॉपर तरीके से सेट होगा। तो मैं यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे जो भी यहाँ पे टेक्स्ट हैं, PNG हैं, फोटो हैं, कैसे चेंज करना है तो उससे आपको यहाँ पे चेंज करने का जो प्रोसेस है वो बताने वाला हूँ। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको एडिट ग्रुप पे टैप करना है। टैप करने के बाद इस पर आपको टैप करना है, एडिट ग्रुप पे टैप करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको लिख देना है कुछ इस टाइप से। एडिट ग्रुप करने के बाद एडिट टेक्स्ट पे आना है, कुछ इस टाइप से आपको इसे रिमूव कर देना है एंड उसके बाद में नीचे वाली जो भी लाइन हो उसे आपको यहाँ पर सिंपल से लिख देना है। तो इतना लिखना है फर्स्ट वाली लाइन में एंड उसके बाद में ये आपको यहाँ पर नीचे वाली लाइन मिल जाती है यहाँ पे। तो उसके बाद में इस पर आपको फिर से क्लिक करना है एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से आपको इसे रिमूव कर देना है एंड यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में के लेना है एंड उसके बाद में आगे का जिसमें लेटर हो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट चेंज हो चुका है, यहाँ पे जो हर्ट वाली जो PNG उन्हें आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है, बैक करने के बाद इस ग्रुप पे आना है एंड एडिट ग्रुप पे टैप करना है। देन उसके बाद में इमेज पे आना है, कुछ इस टाइप से आपको इसे इमेज को कलर वाले पे आने के बाद चेंज कर देना है। तो कुछ इस टाइप से मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको इसे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद सिंपल से इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड हो चुका है एंड उसके बाद में अच्छे से नहीं एडजस्टमेंट तो इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से अच्छे से एडजस्टमेंट कर देना है एंड उसके बाद में बैक कर देना है। बैक करेंगे तो कुछ इस टाइप से हमारे देख पाएंगे वीडियो यहाँ पे तैयार हो चुका है। उसके बाद में इसी तरीके से आपको सारी की सारी लेयर को कम्प्लीट कर लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पे सारी की लेयर को कम्प्लीट करने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे हमारी जो वीडियो है प्रॉपर तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे इसका जो प्रीव्यू है अच्छे से यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जैसा कि आपने यहाँ पे प्रीव्यू में देखा है तो इस टाइप की वीडियो प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना, एक तरह से कमेंट कर देना और यहाँ पे जो भी मटेरियल में यूज किया हूँ हमारे टेलीग्राम पे आपको इजीली मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे जो भी मटेरियल में यहाँ पे यूज किया हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, एक बार बैक करना है एंड टॉप करने पे आपको एरो का ऑप्शन शो हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद नीचे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको टाइप करना है। देन उसके बाद में हमारी जो वीडियो है यहाँ पे एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके सिलेक्ट कर देना। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल के साथ, तक के लिए बाबा टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।